हाय एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। हम लोगों ने सीरीज शुरू की है टैक्सेशन पेपर के लिए, सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2019 एग्जामिनेशंस, और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से ये प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे। यू कैन डाउनलोड द फाइल फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बिलो। अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ सैलरी, विच सेज श्री हरि इज अ जनरल मैनेजर ऑफ ABC लिमिटेड, ही इज वर्किंग इन अ नॉन गवर्नमेंट सेक्टर। From the following details, compute the taxable income for the assessment year 1920. Please note, here the question is asking for taxable income. Sirf salary income nahi nikalni hai. You have to calculate his total income. Pehle sabse pehle question padhte hain, jaise main hamesha kehta hu, pehle question padh lijiye ek bar. Basic salary 20,000 per month. DNS allowance 30% of basic. Transport allowance 2000 per month, motor car running maintenance charges paid by employer rupees 36,000. The motor car is owned and driven by the employee Hari. The engine cubic capacity is below 1.6 liter, choti gaadi hai. The motor car is used for both official and personal purpose by the employee. Dekhiye driver bhi kaun hai, Mr. Hari hi hai, yani ki driver provide nahi kiya gaya hai. And the car is used for both the purposes, official as well as personal. Aage likha hua hai, the expenditure on accommodation in hotels while touring on official duties met by the employer. Kahin par agar ye official duty ke liye apne shahar se bahar jaate hain, to inka hotel ka accommodation ka kharcha hua hai 30,000 rupees ka. Aage likha hai, loan from recognized provident fund. Loan liya inhone RPF se 40,000 ka. Lunch provided by the employer during office hours. 12,000 की कॉस्ट एम्प्लॉयर की आती है. कंप्यूटर केप्ट बाय द एम्प्लॉयर एट द रेसिडेंस ऑफ हरि फ्रॉम 1/10/2018 ड्यूरिंग द ईयर. एक कंप्यूटर भी हमने वहाँ पर रख दिया है उनके घर पर, जिसकी कॉस्ट है 50,000 रुपीज़. हरि मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स. मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है कैश में 3,000 और चेक से दिया है 27,000. सो दिस इज द क्वेश्चन विच यू हैव टू डू एंड यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल इनकम. आपको पता है मेजरली क्वेश्चन ये सैलरी का है, बट हाँ कुछ चैप्टर 6 से की भी डिडक्शन है 80D की, मेडिकल इंश्योरेंस की. शुरू करते हैं, आप लोग कैसे करेंगे प्लीज़ नोट. मैं हर वीडियो में ये बोल रहा हूँ कि अपना आंसर नंबर बिल्कुल क्लियरली लिखें अपने सेंटर ऑफ द पेज पर. जब भी एग्जामिनेशन में आप ये क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे इनफैक्ट, तो प्लीज़ हर क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज से शुरू करें और क्लियरली लेजिबली लिखें आपका आंसर नंबर क्या है सेंटर ऑफ द पेज पर, और फिर क्वेश्चन करना शुरू करें. सैलरी के क्वेश्चन के लिए दूसरी बात जो मैं रिपीट करता हूँ बार बार, कि सैलरी के क्वेश्चन के लिए अगर आपको 3-4 चीज़ें एम्प्लॉयर से मिल रही हैं तो सबकी लिस्ट बना लें, सभी की लिस्ट बना लें, उसके बाद देखें कि वो टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, पार्टली टैक्सेबल है, क्या है. आपको प्रेजेंटेशन इस वीडियो के बाद मिल जाएगी, उसमें देख लीजिएगा. अभी डिस्कस कर लेते हैं. सो द बेसिक सैलरी इज 20,000 पर मंथ. आपको पता है बेसिक सैलरी इज फुली टैक्सेबल, पूरे 12 महीने की टैक्सेबल कर दीजिएगा. DNS अलाउंस इज 30% ऑफ बेसिक, अगेन फुली टैक्सेबल हो जाएगा. ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,000 पर मंथ, इट इज़ नाउ फुली टैक्सेबल. लास्ट ईयर ही अमेंडमेंट आ गई थी आपके लिए, मैं अमेंडमेंट नहीं बता रहा हूँ अब क्या थी, आपके लिए तो ये फुली टैक्सेबल हो जाता है 2,000 पर मंथ. फ्रॉम रेसिडेंस टू ऑफिस, ऑफिस टू रेसिडेंस 2,000 पर मंथ फुली टैक्सेबल हो जाएगा. मोटर कार 36,000 का खर्चा करा है. मोटर कार के बारे में आपको याद होगा कि अगर कार छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ी के पैरामीटर्स क्या हैं, इट शुड नॉट बी मोर देन 1.6 लीटर CC इंजन. तो यहाँ पर लिखा है इट इज़ बिलो 1.6 लीटर, यानी कि छोटी गाड़ी है. एंड इफ इट इज़ यूज्ड फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल पर्पस, सो देयर इज़ अ फिक्स परक्यूजेट ऑफ रुपीज़ 1800 पर मंथ. इसमें ऐड हो जाते हैं ड्राइवर की भी क्या अमाउंट, बट क्योंकि यहाँ पर ड्राइवर दिया नहीं है तो इट विल बी जस्ट 1800. अगर ये बड़ी गाड़ी होती तो इट इज़ 2400 पर मंथ. तो यहाँ पर 1800 पर मंथ कर दीजिएगा. और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया कि ड्यूरिंग द मंथ प्रोवाइड, ड्यूरिंग द ईयर प्रोवाइड हुई है, इसलिए आप पूरे साल का निकाल लीजिएगा. 1800 × 12, इट्स अ फिक्स्ड अमाउंट. आप इसका नोट भी दे दीजिएगा. आगे लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन होटल अकोमोडेशन. बेटा वो ऑफिस के काम से अगर बाहर जाते हैं तो इनको जो TADA मिलता है, ये TADA क्या होता है, इट्स ट्रैवलिंग अलाउंस या डेली अलाउंस वहाँ पर रहने का. तो ये अगर ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, ही वेंट टू सम अदर सिटी फॉर ऑफिशियल पर्पस, देन इट इज़ फुली एग्जेम्प्ट. दिस इज़ नॉट हिज इनकम बिकॉज वो ऑफिशियल विजिट पर आए हुए हैं.
प्लीज़ बेस समझिए, इनकम क्या है, जो चीज़ें मेरे लिए है, जो चीज़ मेरे मतलब जो चीज़ें एम्प्लॉय के लिए हैं वो है इनकम, जिसको एम्प्लॉय कह सकता है कि हाँ ये मेरा पैसा है, मैं इसको अपने घर ले जा सकता हूँ, दैट इज़ माई इनकम। बट यहाँ पर तो जो खर्चा हुआ है वो ऑफिशियल काम के लिए हुआ है, तो इट कैन नॉट बिकम योर इनकम, सो दिस इज़ ज़ीरो एग्जेम्प्ट। आप लिखिएगा ज़रूर अपने आंसर में, इसको शो करेंगे बट वहाँ पर दिखाएंगे नल, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ऑफिशियल पर्पस है। आगे लिखा है लोन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। देखिए मैं एक बहुत सिंपल सी बात बता दूँ, लोन लेना कोई इनकम नहीं होती, लोन लेना कोई कभी भी इनकम नहीं होती। हाँ हम लोग करते हैं सैलरी में, अगर कंपनी से, अगर हमें एम्प्लॉयर से वी टेक अ लोन एंड दैट टू एट अ सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट, यानी कि इंटरेस्ट रेट उस पर बहुत कम है या है नहीं, तो जितना वो ब्याज द इंटरेस्ट पोर्शन जो हमने सेव कर रहे हैं दैट कुड बी योर इनकम। बट ये लोन लेना कोई इनकम नहीं होती, बिकॉज वी हैव टू रीपे द लोन। और देखिए क्या यहाँ पर हमने एम्प्लॉयर से भी लिया है लोन, तो लोन फ्रॉम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर, एक प्रोविडेंट फंड है जो एम्प्लॉयर मेंटेन करता है, आपको पता है प्रोविडेंट फंड इज मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर, वहाँ से हमने 40,000 का लोन लिया है, तो ये हमारा ही पैसा होगा, जो एम्प्लॉयर हमें देता है वो भी पैसा होगा। ये लोन लिया है, आपको बीच में ज़रूरत होती है क्योंकि आपका हर महीने पीएफ का पैसा डिडक्ट होता रहता है, एम्प्लॉई भी डिडक्ट करवाता है अपना और एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और ये आपको पैसा कब मिलता है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब आप रिटायर होते हैं या फिर जब ये ऑर्गेनाइजेशन से क्विट करते हैं। बट अगर आपको फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो 60 साल में रिटायर होगा और एक जगह वो काम कर रहा है, तो पीएफ का पैसा उसको 60 साल के बाद मिल जाएगा जब वो 60 साल की एज होगी, रिटायरमेंट एज होगी। बट अगर वो बीच में कुछ उसको पैसे की ज़रूरत हो और वो कुछ अमाउंट निकालना चाहे तो वो निकाल सकता है, वापस करना पड़ेगा, दैट इज़ अ लोन। तो दिस इज़ लोन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, दिस इज़ नॉट एट ऑल अ परक्यूजिट, दिस इज़ नॉट एट ऑल अ इनकम, इट इज़ जस्ट अ लोन which we have to pay back। आगे लिखा हुआ है लंच प्रोवाइडेड। आप जानते हैं लंच के बारे में एक फिक्स्ड अमाउंट है, 50 rupees पर मील इज exempt, अप टू 50 rupees पर मील इज exempt। तो हम लोग मानते हैं नंबर ऑफ वर्किंग डेज, एज्यूम करते हैं 300। प्लीज़ आपको अपने आंसर में लिखना पड़ेगा एजम्पशन नंबर ऑफ वर्किंग डेज की आप ले रहे हैं 300। तो 300 नंबर ऑफ डेज इंटू 50 होता है 15,000, यानी 15,000 तक का खाना आप खा सकते हैं। और यहाँ पर एम्प्लॉयर आपको कितने का खाना खिला रहा है, सिर्फ 12,000 का। सो इट विल बी अगेन बिकम एग्जेम्प्ट बिकॉज 15,000 तक की लिमिट, 15,000 मत याद करना, आप लोग याद करिएगा 50 rupees पर मील, एंड टेकिंग 300 आज नंबर ऑफ डेज, 300 वर्किंग डेज। बेटा वैसे तो 365 होते हैं बट आप संडे को थोड़ी जाते हैं ऑफिस या फिर गेस्टेड हॉलीडेज पे तो नहीं जाते हैं ना, तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज यू विल टेक एज 300। 300 इंटू 50 दैट मेक्स 15,000 तक एग्जेम्प्ट है, क्योंकि यहाँ पे 12,000 था तो हम कुछ भी टैक्सेबल नहीं करेंगे। हैड इट बीन 16,000, अगर ये 16,000 होता तो 16,000 में से 15,000 एग्जेम्प्ट, बाकी का 1,000 टैक्सेबल कर देते। आगे आइए कंप्यूटर, आपको पता है ये बात मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी, लैपटॉप प्रोवाइड किया जाए यूज़ करने के लिए, कंप्यूटर प्रोवाइड करा जाए या मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड किया जाए तो ये एग्जेम्प्ट परक्यूजिट होता है। बेटा कंपनी वाले आपको लैपटॉप क्यों देते हैं, वाई दिस एम्प्लॉयर गिव्स यू अ लैपटॉप, जिससे रात को भी वो आपसे PPT बनवा सके, रात को फ़ोन करके बोल देंगे सुबह सुबह मीटिंग है प्लीज़ PPT रात को बना लेना 12 बजे। तो जिस दिन आपको ऑफिस से लैपटॉप प्रोवाइड हो जाते हैं वो अच्छा दिन नहीं होता, वो बुरा दिन होता है, क्योंकि वो आपसे घर पर भी काम कराएंगे। तो व्हेनेवर दिस कंप्यूटर लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन क्यों प्रोवाइड किया जाता है, आपको कभी भी तंग कर देंगे, क्या PPT बनाई, क्या वो प्रोजेक्ट करा, तो यहाँ पर ये सब कुछ एग्जेम्प्ट परक्यूजिट होता है। हाँ कंपनी को बोलो कि आप मेरे घर में AC लगवा दीजिए, वो नहीं लगवाएंगे क्योंकि AC से तो कोई उनको फ़ायदा नहीं होता ना, तो दैट इज़ अ परक्यूजिट। ऐसी चीज़ें जिससे आपको फ़ायदा हो दैट इज़ अ परक्यूजिट। आपके घर में AC प्रोवाइड हो रहा है, आपके घर में कोई और रेफ्रिजरेटर है, माइक्रोवेव ओवन है, ये सब चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं तो दैट बिकम्स अ परक्यूजिट, आप जानते हैं। बट अगर कंप्यूटर लैपटॉप और मोबाइल फोन्स प्रोवाइड हो दैट इज़ एग्जेम्प्ट। सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट योर ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी में से माइनस कीजिएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो एक डिडक्शन यहाँ पर कुछ ऐसे बातें नहीं दी गई, तो यू अंडरस्टैंड कि एक डिडक्शन तो होती है, दैट इज़ स्टैंडर्ड डिडक्शन, और वो कितनी होती है,
मैक्सिमम 40,000 रुपीज और योर ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लोअर, तो जनरली 40,000 की डिडक्शन दे देंगे तो आपकी सैलरी इनकम आ जाएगी. एंड दिस गाय इज नॉट हैविंग एनी अदर इनकम, तो दिस विल बिकम हिज GTI, ग्रॉस टोटल इनकम. आप GTI लिखिएगा, माइनस कीजिएगा चैप्टर 6 की डिडक्शंस 80C to 80U, और यहाँ पर क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इन्होंने दिया है तो 80D की डिडक्शन आएगी. अब 80D के बारे में जानते हैं कि मैक्सिमम वो 25,000 तक अलाउड है, एंड इफ द पर्सन और हिज पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन और उनके लिए इंश्योरेंस कराया गया है तो लिमिट हो जाती है 50,000. बट क्योंकि यहाँ पर सीनियर सिटीजन की बातें नहीं दी गई हैं, वी आर एज्यूमिंग कि सीनियर सिटीजन नहीं हैं, तो यहाँ पर आप 25,000 तक की डिडक्शन दे सकते हैं. और जो कैश में पे किया है वो तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता, सिर्फ चेक का अलाउड होगा. तो इस तरीके से आप ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं. वीडियो के बाद आपको प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगी. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग.